What is up, YouTube? I will try to keep this video as short and sweet as possible. Hello, cuties. This is day 2 of testing. Shit. ये बहुत नजदीक है bro, गाड़ी है यहाँ पे. बहुत मेहनत का काम है ये. What's up? You're going for a ride? अच्छा इन द जिमनी. हाय क्यारू, व्हाट्सअप. नो नो, आराम से. ड्राइव सेफ. सी यू. बाय. कम अप इन द नाइट. लेट्स चिल. इफ यू आर नॉट गोइंग आउट, यू मैसेज मी. वील मीट ऑन टॉप. बाय. ड्राइव सेफ. लॉन्ग राइड के टाइम पे अगर मोटर व्लॉगिंग सेटअप ने कुछ प्रॉब्लम दिया भी, तो मेरे पास मेरा पुराना वो स्ट्रैप ऑन वाला सेटअप है, उससे हमेशा मैं इंटरचेंज करके यूज कर सकता हूँ. बट जो मेन चीज़ें हैं मेरे को लॉन्ग राइड के पहले सुधारनी है डोरा में, AKA सकाराम में, वो ये है कि इसका चेन का प्रॉब्लम ना फिर से आ चुका है एंड इट्स वेरी परसिस्टेंट. आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाई बार बार इसका चेन लूज हो रहा है. मे बी शायद मैं कुछ गलत कर रहा हूँ क्या. न्यू माइक सेटअप, न्यू मोटर लॉक सेटअप. प्लीज लेट मी नो हाउ यू लाइक इट. एनी फीडबैक, एनी चेंजेस, जरा कमेंट्स में मेरे को बता देना. बट लाइफ का सबसे बड़ा डिलेमा ना हिमालयन के चेन प्रॉब्लम्स है और ना ही मोटर व्लॉग सेटअप प्रॉब्लम्स है. लाइफ का सबसे बड़ा डिलेमा ये है कि मैं हिंदी में व्लॉग कंटिन्यू करूँ या इंग्लिश में व्लॉगिंग चालू कर दूँ. सी देयर आर टू वेज ऑफ लुकिंग एट दिस. इंग्लिश में व्लॉग करने से ऑटोमेटिकली तुम्हारी ऑडियंस दुगनी तिगनी हो जाती है. इट जस्ट बिल्ड्स अप, राइट? बिकॉज हिंदी इज नॉट अ ग्लोबल लैंग्वेज, इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज. लेकिन हिंदी में व्लॉग करने से इमोशन बाहर आता है ब्रो. अपन क्या इंडियन लोग हैं? अपन कितना भी अच्छा इंग्लिश बोल ले, मैं कितना भी अच्छा इंग्लिश बोल लूँ, लेकिन जो दिल से बात निकलती है ना, वो हमेशा हिंदी में निकलती है. तो अभी डिलेमा वही है. अच्छा, अपेरेंटली ये भी डिलेमा है. तेरे को नहीं अच्छा लगा क्या? हिंदी में करते रहूँ? नॉट अ प्रॉब्लम. सो द थिंग इज, थोड़ा सा मैं अभी दिल का बात शेयर करने वाला. सो प्लीज, इफ एनीबडी वॉचिंग दिस एंड लिसनिंग टू दिस, डोंट टेक इट पर्सनली. इट्स नॉट अबाउट यू, आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल यूट्यूब ऑडियंस. मैंने नोटिस किया है, ऑब्जर्व किया है कि अपनी जो हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस है, मेजॉरिटी बोल रहा हूँ मैं, सब लोग नहीं, मेजॉरिटी अपनी जो हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस है, वो ज़्यादा मोटर ब्लॉग्स को इज्जत नहीं देती आज के टाइम पे. है, देर इज़ अ ह्यूज क्राउड एंड अ ह्यूज ऑडियंस, बट मोस्ट ऑफ देम आर नाउ शिफ्टिंग टूवर्ड्स ड्रामा बेस्ड, क्यूट गर्ल रिएक्शन बेस्ड, कॉन्ट्रोवर्सी बेस्ड, किसने कितने पैसे खर्चा किए, कौन सी गाड़ी पे बेस्ड, है ना? ये अपनी हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस का हाल है आज. What's up, buddy? And the thing about English speaking audience is, since I said English speaking audience thoda sa global audience hai. So there are people still around the world who are interested in travel vlogs but on a motorcycle and motor vlogs, etc., etc. So ye life ka dilemma hai. But mera aisa bhi sochna hai कि अपन हिंदी है तो अपना मातृभाषा में करने का ना. आई अंडरस्टैंड इंडिया का कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, हिंदी इज जस्ट द मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज. बाय. ठीक तेरे बाबा, अपन अपना काम करते रहेंगे जैसा कर रहे थे, फ्लो में. कल मैंने एक दूसरा माउंट ट्राई किया था जो काफ़ी हाई था, बट इफ यू आर फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम देन यू वुड नो इट वॉज लुकिंग क्वाइट फनी. दिस इज माई इंस्टाग्राम डाउन हियर एट कैप2. CAPTU इज कैप2. CAPTUU इज कैप2. CAPTUU इज कैप2. बाइक वैसे गंदी बहुत हो चुकी है, बट इसको मैं अभी वॉश नहीं कराने वाला क्योंकि कुछ फायदा नहीं है. मुंबई की बारिश, महाराष्ट्र की बारिश एकदम पका के रख दिया है मेरे को. वो बराबर गिर भी नहीं रही है और ना भी नहीं गिर रही, समझ में आ रहा है? वो बीच का पात है. ये मॉडरेशन वाला सिस्टम मेरे को समझ में नहीं आता है. इसका जो चेन सिस्टम है, ये ओपन चेन सिस्टम है और ये है ना ऑलरेडी लूज हो गया है. देखो, अपने अपने प्रेफरेंसेस होते हैं. हु वॉन्ट्स द चेन हाउ टाइट, दिस इज ऑल अ पर्सनल प्रेफरेंस. मेरे को मेरा चेन थोड़ा सा टाइट अच्छा लगता है बिकॉज आई राइड इट अकॉर्डिंगली. ये क्या गिर रहा है ब्रो? What the fuck? What is this? I hope it's nothing major. Is there oil leakage?
ओह शिट, इट्स डेफिनेटली ऑयल लीकेज। शिट, आई होप ये कोई मेजर काम ना निकले। यप, इट्स ऑयल लीकेज। शिट 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 शिट, यहाँ पे भी रेजिड्यू ऑयल का। ये इधर कैसा है? ये पेट्रोल का तो नहीं है? फक, डोंट टेल मी ये पेट्रोल। अबे इधर भी है सीट के नीचे। व्हाट द हेल भाई, किसी को कुछ आइडिया है तो मेरे को बता दो। अंदर से कुछ दिख तो नहीं रहा मेरे को। अपन है ना इंटरनली चालू करते हैं। सबसे पहले माइक के बारे में बात करेंगे। इनिशियली जब मैंने मोटर ब्लॉगिंग चालू किया था तभी मैं यूज कर रहा था स्मैशट्रॉनिक्स का मोनो माइक्रोफोन, लेवलियर माइक्रोफोन, जो हेलमेट के अंदर ऑब्वियसली रैप होके फिर इट स्टिक्स टू द चिन ऑफ योर हेलमेट। नाउ आई एम यूजिंग अ स्टीरियो माइक्रोफोन विच इज अ सोनी ECV, याद नहीं है, डाल दूंगा स्क्रीन के ऊपर किधर। तो मैं तो पहले मैं यूज करता था मोनो माइक्रोफोन, अभी मैं यूज कर रहा हूँ स्टीरियो माइक्रोफोन। दोनों में क्या फर्क है? सिंपल भाषा में कहने को जाओ तो ये है कि स्टीरियो माइक्रोफोन में लेफ्ट और राइट हैंड साइड दोनों तरफ से साउंड पकड़ता है, और मोनो माइक्रोफोन में सिर्फ एक तरीके से साउंड पकड़ता है। और उसकी इट इज वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट माइक्रोफोन यू कैन फाइंड, अ मोनो लेवलियर माइक। आई वुड एक्चुअली रेकमेंड टू यूज द मोनो इफ यू आर अ न्यू क्रिएटर, इफ यू आर अ न्यू मोटर ब्लॉगर, क्योंकि मोनो वाले जो माइक है वो थोड़े से सस्ते भी आते हैं। स्पेशली स्मैशट्रॉनिक्स का माइक जो मैं यूज कर रहा था वो 150 रुपए का माइक था, मेरे को बहुत चला है वो। अल्टीमेटली वो गोवा से आते आते बारिश में भीग के उसका काम तमाम हो चुका था। हाँ, वो ये सब वाटर प्रूफ तो नहीं रहेगा, सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल वाइल यूजिंग इट। बट वेरी लकीली वो पूरा मानसून चला मेरे को, वो आते आते लास्ट राइड के बाद खराब हो गया था। So that is why I had to shift to a stereo microphone. Now I had a choice. I could have gone for a Moana Myono. क्या नाम रखते हैं लोग समझ नहीं आता। डाल दूंगा सब स्क्रीन पे। I could have gone for another mono mic, but I thought थोड़ा सा लाइफ में एक्सपेरिमेंट करना चाहिए ना यार। मैंने I had heard good things about this Sony stereo microphone, तो मेरे को लगा I will experiment with it. मेरा फोन बज रहा है bro. मेरे को लगा I will experiment with it and give something new a shot. तो माइक दोनों अच्छे है, साउंड क्वालिटी में आसमान जमीन का फर्क है। यस, अबे इसको बंद कैसे करते हैं? शिट, मैं भूल ही गया था इसका हैजर्ड लाइट का स्विच इधर है, मैं कब से यार ढूंढ रहा हूं। एनीवे, फर्क इतना है दोनों माइक्स के साउंड क्वालिटी में, ऑब्वियसली काफी ज्यादा फर्क है। जो मेरे को पर्सनली लगा, जो मेरा ओपिनियन है, माई 2+2 एनालिसिस इज दैट जो मेरा मोनो माइक था इसके पहले वाला, द सिंपल चीपर माइक, उसका साउंड थोड़ा ज्यादा बेसी था, इट वॉज अ लिटिल बिट मोर हैवियर। एंड ये वाला जो माइक है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसका साउंड थोड़ा सा ज़्यादा पतला है, इट सीम्स टू बी अ लिटिल बिट मोर पॉलिश्ड, तो वो साउंड थोड़ा सा और फ्लैट है। आई डोंट नो इफ आई एम एक्सप्लेनिंग इट करेक्ट, फ्लैट है या पतला है, बट मेरा कोई भी पुराना मोटर ब्लॉग उठा लो, इसके पहले का गोवा सीरीज जाके देख लो, आपको मालूम पड़ेगा, यू विल बी एबल टू डिस्टिंग्विश द साउंड वेरी वेरी क्लियरली। और रही बात GoPro माउंट की, अभी अपना इंटरनल वाला काम हो गया ना ऑडियो का, तो अभी अपन एक्सटर्नल वाले के बारे में बात करेंगे, विच इज द GoPro माउंट। सो स्पीकिंग ऑफ द एक्सटर्नल थिंग्स, ये मेरा इनिशियल माउंट था, मेरा ओरिजिनल माउंट, ये जो क्लिप ऑन माउंट है, ये आई थिंक 250-300 रुपीज का आ जाता है। मैंने अपना मोटर ब्लॉगिंग स्टार्ट इससे किया था, बट इसका एक ही प्रॉब्लम है, ये माउंट बहुत सॉलिड है, बहुत बढ़िया है, हाई स्पीड्स पे भी बहुत स्टेबल है, बट द ओनली प्रॉब्लम इज दैट इसका जो नीचे का हिस्सा है ना, जो कनेक्ट होता है अंदर बांधने के लिए, दिस ये ऐसे टाइप होता है, तो जब हेलमेट के अंदर से जाता है अपना जो हेलमेट का विंड फिल्टर है ये निकालना पड़ता है। एक बार ये निकल गया देन योर विंड बफेटिंग इन योर हेलमेट बिकम्स दुगना एंड तिगना। ये मैंने अच्छा खासा 1.5 साल चलाया, तूने बहुत साथ दिया मेरा ब्रो, आई विल नेवर फॉरगेट यू। लाइफ में मूव ऑन होना बहुत जरूरी है, तो अपन भी हो गए, अपने पास से हो गए, एक्स टॉक्सिक फ्रेंड्स से हो गए, और अपना एक्स टॉक्सिक मोटो व्लॉगिंग माउंट से भी हो गया। उसको बोलना मत, मैंने उसको टॉक्सिक बोला, ठीक है, वो बुरा मान जाएगा। नहीं बेबी, तू बेस्ट है, बेस्ट बेस्ट है। जमाना बदल रहा है मिनिमलिज्म की तरफ, डिजाइन्स हो रहे हैं स्लीकनेस की तरफ, तो अपन भी थोड़ा सा मिनिमलिस्टिक डिजाइन की तरफ चले गए। ये ब्लू आर्मर माउंट है 300-350 रुपीज का। मैं ना एक्चुअली हमेशा प्राइसेस में कंफ्यूज होता, तो मैं एक काम करूंगा, मैं प्राइसेस बोलूंगा ही नहीं, ठीक है, मैं एडिटिंग के टाइम पे देख देख के डाल दूंगा स्क्रीन पे या डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा नीचे, लिंक तो 100% देख लेना, डोंट वरी।
डोंट वरी, ये अफिलिएट लिंक्स नहीं है, तो अगर तुमने वो लिंक से खरीदा तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पैसे तुमको देने पड़ेंगे, मेरे को उसमें से कुछ प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है। इसमें प्रॉफिट क्या है, इसमें क्या अफिलिएट लिंक डालू मैं, ले लो भाई 150 रुपया, तुम एंजॉय करो, 150 रुपया आ जाएगा। ब्लू आर्मर स्टिक ऑन माउंट कम्स विद अ 3mm टेप। बी श्योर टू रिमेंबर कि ये ओनली वन टाइम यूज है, अगर ये माउंट गलत चिपका या थोड़ा सा भी टेढ़ा हुआ या ये अगर ये चिपका ही नहीं एट ऑल, यू कैनॉट री यूज इट, दिस इज अ वन टाइम स्टिक थिंग। अगर ये निकला यू विल हैव टू ऑर्डर अनदर वन, और इफ यू हैव अ 3mm टेप का रोल तो उसको लेंथ वाइज काटो, टेप को इसके अंदर चिपकाओ, यू आर गुड टू गो। व्हेन आई यूज टू यूज माय ओरिजिनल स्ट्रैप ऑन माउंट विच इज द बेस्ट माउंट, बहुत टॉक्सिक है ब्रो, हाई स्पीड पे स्टेबल है लेकिन यहाँ हवा हिलते रहता है, थोड़ा बहुत हिला तो उसको फिर एडजस्ट करना, बेस्ट है माउंट वो। सो व्हेन आई यूज टू यूज अ स्ट्रैप ऑन माउंट, तभी मैं ये जे माउंट यूज करता था, बट आई यूज टू यूज ओनली दिस बेस माउंट, ये बेस माउंट है, मैं सिर्फ ये यूज करता था। ब्लू आर्मर आने के बाद वो ब्लू आर्मर का जो स्टिक ऑन है ना, वो मैंने हेलमेट के जितना नीचे हो सके वहां मैंने चिपकाया है, ठीक है। अभी इसका इश्यू ये है कि ये इतना नीचे चिपक गया है कि अगर मैं सिर्फ ये बेस माउंट यूज करूं तो मेरा फ्रेम में 80% मोटरसाइकिल आता है और 20% स्क्रीन आता है, विच वॉज नॉट वेरी वेरी फन टू वॉच। सो व्हाट डिड आई डू, आई डिड सम R&D, आई वेंट टू Amazon एंड आई ordered अ फ्यू एक्स्ट्रा माउंट्स फॉर द GoPro। दिस इज द फर्स्ट एक्सटेंडर, दिस इज द सेकेंड एक्सटेंडर। फर्स्ट एक्सटेंडर इज स्टक ऑन द जे माउंट यूजिंग दिस स्क्रू, द लिटिल एक्सटेंडर इज स्टक ऑन द फर्स्ट एक्सटेंडर यूजिंग दिस स्क्रू, and the GoPro is stuck on the little extender using this screw. हो गई बात क्लियर? किसी का भी क्वेश्चन है तो हाथ ऊपर रेस करके रखना, मैं लेक्चर के बाद पूछूंगा। This is the Ulanzi housing case for the GoPro 7 Black. I use the GoPro 7 Black, by the way. It is not a very advanced GoPro. It is now actually in today's time a very very old school GoPro. ये Ulanzi case में यहाँ तुम्हारा mic adapter आता है, can you see? This is the mic adapter का जगह, this is the GoPro का जगह, but obviously ये मैंने यहाँ पे 3mm टेप लगाया है क्योंकि मेरे GoPro को यूज कर करके इसका जो स्विच ऑन स्विच ऑफ का बटन है ये उड़ ही गया है ब्रो, कैन यू सी, दैट्स द बटन, वो उड़ गया है, तो यहाँ से पानी ना घुसने के लिए मैंने उसको थोड़ा सा वाटरप्रूफ कर दिया। वो 3mm टेप से काफी वाटरप्रूफ हो गया, बाय द वे वाटरप्रूफ कैसे करता हूँ उसके लिए शायद मैं नया वीडियो बनाऊं, यू नेवर नो ब्रो, कंटेंट कभी छोड़ने का नहीं, ठीक है। ये अपना सिंपल GoPro सेटअप है, ये जो पूरा का पूरा सेटअप है ये 150 रुपए का सेटअप है, GoPro बारिंग द GoPro, GoPro 36,000 रुपीज, बट ये बाबा आदम का GoPro हो गया है। अभी ये GoPro को खुद काफी साल हो गए, आई थिंक इसका अपग्रेड का टाइम आ गया है। मैं ना एक्चुअली आधे साल से रो रहा हूँ कि मेरे को GoPro अपग्रेड करना है, बट क्या करें, पैसे नहीं है ब्रो, पैसा आएगा तो अपग्रेड कर लेगा ना मैं। ओके, प्रीवियसली बाइक पे मैंने माइक की बात की थी, माइक मेरा ये है, this is the Sony ECM-LV1 mic, this is a stereo microphone which means ये left hand side and right hand side दोनों direction से audio capture करता है। जो मेरा original mic था that was a mono mic, like I said mono mic is basically capturing sound from a mono direction, a single direction। ये mic के लिए GoPro के connector की जरूरत नहीं है, ये जो mic है ये directly adapter में fit हो जाता है। You don't need a TRS to TRSS or TRSS to TRS connector for this, bro. इतने सारे alphabets तो साला मैंने कभी school में भी नहीं सीखा। TRS to TRSS, TRSS to TRS, so confusing, मेरा dyslexia अंदर से उभर के वापस आ रहा है। ये जो मेरा GoPro mount है, J mount के ऊपर एक extender के ऊपर एक और extender के ऊपर GoPro, ये मेरे को कहाँ से मिला? ये भी एक generic brand है जो GoPro के, जो Amazon से मंगा है मैंने, I think ये यंत्रालय का है if I'm not mistaken। जब मैंने ये मंगाया था GoPro के एक्स्ट्रा एक्सेसरीज, अगेन आई विल लिंक दैट ऑल्सो, डोंट वरी, प्राइस मत पूछना, आई डोंट रिमेम्बर, मैं लिंक कर दूंगा, लिंक जाके देख लेना, Amazon का लिंक है, एंड अगेन आई एम रिपीटिंग अगेन, ये एफिलिएट लिंक नहीं है, तो मेरे को इसमें से कुछ प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है, ना 10%, ना 20%, ना 5%, ना 1%। तो मैं कहा था ये एक्सेसरीज का एक पैकेट है, छोटा सा पैकेट है, दो फ्लैट माउंट और एक जे माउंट, सो 1, 2, 3, 4, 5, क्योंकि दो एक्सटेंडर है, 5 माउंट आते हैं इसमें, ये 5 माउंट तुमको जहां लगाने का लगाओ। ये जो दो फ्लैट माउंट है, दीज आर हेल्पफुल अगर आपको टॉप बॉक्स पे लगा के पीछे से एंगल लेना है, या बाइक पे किधर और साइड में से लगा के साइड का एक एंगल लेना है, एक दूसरा एक फ्रेम इंट्रोड्यूस करना है तुम्हारे व्लॉग्स में, एक नया एंगल इंट्रोड्यूस करना है, तो दिस इज वेरी वेरी गुड। आई हैव नॉट यूज दीज येट, आई एम स्टिल थिंकिंग वेयर टू पुट, मेरे को एक POV एंगल भी चाहिए, बट वो
मेरे पास ना विंडशील्ड एक्सटेंडर नहीं है, तो जब मैं विंडशील्ड पे लगाऊंगा इट विल ऑल्सो ब्लॉक द सामने का व्यू, सो आई डोंट वॉन्ट टू डू दैट, सो आई एम स्टिल फिगरिंग आउट वेयर टू पुट. और एक मेचो मेरे को, मेचो क्या होता है ब्रो, और एक मेरे को पीछे का भी एंगल चाहिए, तो मोस्टली मैं कोई तो भी एक टॉप बॉक्स पे लगाऊंगा ताकि पीछे से जब मैं दिखूं आई विल लुक लाइक अ बॉबल हेड एंड यू सी माई हेलमेट मूविंग इन द विंड. और आई थिंक वी हैव कवर्ड द होल थिंग्स. हाँ, सेकंडली माइक मैं कहाँ सेटअप करता हूँ, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि विंड नॉइज बाबा, टू एलिमिनेट विंड नॉइज इज ए सेपरेट क्लास ऑल टुगेदर. उसके ऊपर मैं 15 मिनट का वीडियो अलग से बना सकता है, लेकिन मैं बनाएगा नहीं, मैं सब एकदम शॉर्ट में समझाएगा इस. सो दिस वन थिंग टू नो दैट एनी टाइम यू ऑर्डर अ माइक, जो भी माइक हो, भले वो स्टीरियो माइक हो या ये मोनो वाला माइक हो, तो माइक ऑर्डर करोगे तो उसके साथ तुमको एक डेड कैट मिलता है. अभी तुमको दूसरा डेड कैट मंगाने का जरूरत नहीं है, बिकॉज जो जो स्टॉक डेड कैट आता है माइक के साथ, इट इज मोर देन एनफ, एंड आई विल शो यू. ये मेरे चीक पैड्स है, चीक पैड के अंदर मैंने माइक बिठाया है. कैन यू सी, सी दैट्स द माइक, कैन यू सी दैट, दिस इज हियर, जहां मेरी उंगली पॉइंट कर रही है, That is the mic. Initially क्या था, मैंने माइक यहाँ पर डाला था हेलमेट के चिन के एकदम सामने, which is right in front of my lips. It was a mistake. जो मेरा मोनो माइक था वो यहाँ पे था, चीक पैड के साइड पे. तो I thought I'll try a new setup. I'll put up the mic a little bit more closer to my mouth so I don't have to shout so much and I can, the voice can be a little bit more clearer. But I was mistaken. जब मैंने यहाँ पर डाला था, that was when the voice was cracking. One of my vlogs जहाँ पे मंदिरी ईस्ट के ट्रैफिक में गुजरता था, I think. फिल्टरिंग ट्रैफिक ऑन द हिमालयन ऐसा कुछ नाम है, आई विल लिंक इट ऊपर, जाके वो वॉइस क्वालिटी पहले चेक करना, बिकॉज बहुत ही घटिया वॉइस क्वालिटी. दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई वाज ट्राइंग दिस माइक ऑन एंड आई हैड मेड अ मैसिव ब्लंडर. तो आई केम बैक, डिड सम आर&डी, आई पुट द माइक, फिर इनिशियली फिर मैंने माइक यहाँ पे लगाया, थोड़ा सा साइड में लगाया, बट आई वाज स्टिल फेसिंग द सेम प्रॉब्लम. तो आई सेड बेटा, इंस्टेड ऑफ ऑर्डरिंग वन मोर डेड कैट, अगर मैं फिर से अमेजोन गया और एक और डेड कैट मंगाया, 100-150 रुपए क्यों वेस्ट करते रहो बार बार. 100 रुपए के नीचे आजकल कुछ मिलता नहीं है, सिगरेट छोड़ के और चिप्स का पैकेट छोड़ के, है ना, और कुछ यूजफुल आइटम 100 रुपए में मिलेगा नहीं. तो मैंने एक जुगाड़ लगाया, मैं यूट्यूब पे गया, दूसरे मोटर ब्लॉगर्स के सेटअप्स देखे, और मेरे को इनिशियली कुछ ज्यादा मिला नहीं, बिकॉज Everyone kept saying the same thing, you'll have to buy a new dead cat, buy a new dead cat, buy a new dead cat. मैं बोला मेरे को नहीं खरीदने का न्यू डेड कैट, मेरे पास एक मरी हुई बिल्ली है वो काफी है, दो मरी हुई बिल्ली का पाप लेके सर पे क्यों भागू मैं. तो मैंने जुगाड़ लगाया, मैंने मेरा चिन पैड खोला और चिन पैड के अंदर माइक घुसा दिया. अगर ये माइक है और ये चिन पैड है तो ये माइक यहाँ पे धस गया हुआ है, तो मेरा चिन पैड तो भी बाहर से कवर कर रहा है, तो अभी मेरे को जो भी विंड रेजिस्टेंस आ रहा था, जो बफेटिंग आ रहा था, जो क्रैकिंग आ रहा था साउंड में, वो एलिमिनेट हो गया ब्रो, कंप्लीटली जीरो एक्स्ट्रा कॉस्ट पे, इट हैज बीन कंप्लीटली एलिमिनेटेड. माय एंटायर गोप्रो सेटअप कॉस्ट हैज कम अप टू 350 और 400 रुपीस इन अ टोटलिटी. अगेन लाइक आई सेड, बारिंग द गोप्रो, गोप्रो बहुत पुराना है, बाबा दम का, इसको अपग्रेड करने का टाइम है, कभी अपग्रेड करूंगा, समझ नहीं आ रहा मेरे को पैसा चाहिए अपग्रेड करने के लिए, अपग्रेड कर दूंगा कभी ना कभी, यू नो, थोड़ा अपन भी 4K 60 FPS पर व्लॉग्स डालेंगे, कब तक 4K 30 FPS पर खेलते रहेंगे अपन ब्रो. मेरे GoPro के अगर सेटिंग्स जानना है तो मेरे को प्लीज लेट मी नो, आई विल मेक ए सेपरेट शॉर्ट वीडियो ऑन दैट, मे बी आई मेक अ यूट्यूब शॉर्ट्स ऑफ इट, और आई जस्ट मेक लाइक अ 3-4 मिनट का अ शॉर्ट यूट्यूब वीडियो एंड अ ट्यूटोरियल ऑफ हाउ आई कलर माई GoPro फुटेज, माई मोटो व्लॉगिंग फुटेज, एंड वॉट एग्जैक्ट सेटिंग्स डू आई यूज ऑन दिस GoPro. बिकॉज आई हैव रियलाइज वन थिंग, GoPro को तुम प्रो ट्यून पे छोड़ दोगे ना, मतलब उसका जो जो इफ यू लेट GoPro डू ऑल द मगजमारी फॉर यू, ऑल द हैवी लिफ्टिंग, ऑल द लेबर जॉब फॉर यू, अगर GoPro करेगा ना तो कलर्स बहुत अच्छे मिलते हैं, बट कॉन्ट्रास्ट बहुत बढ़ जाते हैं, स्पेशली हम इंडिया में रहते हैं, यहाँ पे धूप बहुत है, सनी बहुत है, अपने को इधर क्लाउडी डेज, स्पेशली मुंबई में क्लाउडी डेज इतने नहीं मिलते. तो अगर मैंने इसको उसके ऑटोमेटिक सेटिंग्स पे छोड़ दिया तो कलर्स मेरे को अच्छे मिलेंगे, बट वो पूरा इमेज में एक्सपोजर बहुत ज्यादा हो जाएगा, कॉन्ट्रास्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा, सैचुरेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, जो फिर बाद में पोस्ट में तुम कम नहीं कर सकते. इसीलिए मैं इसके ऑटो सेटिंग्स में शूट करता नहीं हूं. तो अगर मेरे सेटिंग्स आपको जानने हैं तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन इट. बाकी कैमरा बहुत बाप है, इट्स नॉट अ बैड कैमरा एट ऑल. आई यूज द GoPro हीरो 7 ब्लैक, दिस इज वन ऑफ द OG GoPros, वन ऑफ द बेस्ट GoPros टू एवर कम, बट इसका 4K 60 FPS में पूरा क्रॉप हो जाता है, देयर इज नो फन. आई लाइक द सुपर व्यू, आई डोंट लाइक द वाइड व्यू, आई लाइक द बिगेस्ट व्यू पॉसिबल. एंड ये शूट करता है 4K 60 में, बट 4K 60 में लाइक ऐसे वो क्रॉप कर देता है, इसके लिए मैं 4K 30 ही करते रहता हूँ. तो अपन भी थोड़ा बम्प अप हो 4K 60 में. माइक हो गया, माउंट हो गया, GoPro का हाउसिंग केस हो गया, GoPro हो गया,
ये माउंट्स हो गए, पुराना माउंट दिखा दिया, माइक का लगता है वो दिखा दिया, और क्या बाकी है? और क्या बाकी है? मेरे काफी महीनों के एक्सपीरियंसेस एक छोटे से वीडियो में समाये हुए। आई होप ये जो भी मोटर व्लॉगिंग चालू कर रहे हैं उनको थोड़ा सा हेल्पफुल हुआ होगा, थोड़े से तुम्हारे जो डाउट्स है तुम्हारे दिमाग में, मोटर व्लॉग का सेटअप कैसे करूँ, गोप्रो कैसे लगाओ, उसका माइक कैसे लगाओ, कौन सा माइक लेना चाहिए, कौन सा सेटअप लेना चाहिए। आई होप दिस वीडियो हेल्प यू इवन अ लिटिल बिट। इफ इट हैज़, अगर थोड़ा सा भी हेल्प किया होगा तो काइंडली हिट लाइक, शेयर, कॉमेंट, सब्सक्राइब, जर्नी में जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर योर अनडाइंग सपोर्ट फॉर माई टू माई एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर्स। योर कैप्टन स्पीकिंग, थैंक यू फॉर फ्लाइंग एस्केप एयरलाइंस, एंड आई विल सी यू ऑन अनदर फ्लाइट। We'll be right back.